फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सभी कैसे हो? आई होप सभी अच्छे हो, मौज में हो। सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। चलो फटाफट से क्लास को ज्वाइन करो, आज का करंट अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज दिनांक 27 मार्च 2024 और आज अपनी क्लास रहेगी 207वीं क्लास। चलो सभी लोग फटाफट से क्लास को ज्वाइन करो, आज का करंट अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और हाँ, आपको बता दिया जाए कि आज का करंट स्टार्ट करने से पहले अपन कल के करंट का रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, कल का क्वेश्चन नंबर 1 था, 24 मार्च 2024 को मनाए गए विश्व क्षय रोग दिवस की थीम है वो क्या है। तो मैंने बताया था जैसे कि आपको ये थीम इंपॉर्टेंट है, यस वी कैन एंड टीबी, ठीक है, ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए गिरफ्तार होने वाले कौन से मुख्यमंत्री बने हैं। ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट होगा, पहले मुख्यमंत्री बने हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भी बहुत सारे थे जिनको मतलब गिरफ्तार किया था, लेकिन पद पे रहते हुए गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल को किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस फसल में होने वाली बीमारी विटचेस्ट ब्लूम की खोज की है। तो ये जो विटचेस्ट ब्लूम है, ये सबसे खतरनाक बीमारी है और ये कौन सी फसल में पाई गई है, ये मटर में पाई गई है। ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसे पूछा जा सकता है कि मटर की जो फसल है उसमें नया रोग है, उसकी खोज की गई है, वो उसका नाम क्या है, विटचेस्ट ब्लूम है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2024 को भारतीय बैंक संघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा, डीके भारद्वाज, अंकित ठाकुर, एमवी राव या सीएमसीए। तो करेक्ट आंसर आपका एमवी राव हो जाएगा। इनका कार्यकाल है वो 2 वर्ष का है, कार्यकाल 2 वर्ष का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में वर्ल्ड टेबल टेनिस WTT फीडर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो करेक्ट आंसर आपका होगा साथियान ज्ञान सेकरन, ठीक है। और इन्होंने किनको हराकर बने, ये अपने भारत के ही हैं, हमवंत मानव ठक्कर, इनको हराकर बने साथियान ज्ञान सेकरन। यानी कि बात करें उपविजेता की, तो उपविजेता कौन है, मानव ठक्कर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में वैश्विक असमानता पुरस्कार 2024 किसने जीता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बीना अग्रवाल ने, जेम्स के बायस ने, ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, हाल ही में किसे सतत ऊर्जा नेतृत्व के लिए सेराविक लीडरशिप जो अवार्ड है वो दिया गया है। तो किसे दिया गया है, नरेंद्र मोदी, एमोन मैक्रोन, सुल्तान अल जाबेर, मोहम्मद बिन सुल्तान। करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, सुल्तान अल जाबिर, ठीक है। मोदी जी को भी सम्मान से सम्मानित किया गया है और अभी 2024 में सुल्तान अल जाबिर को सम्मानित किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2 प्राचीन स्टार स्ट्रीम शिव और शक्ति की खोज की है। यानी ये जो स्टार है, जो अंतरिक्ष में बहुत सारे स्टार यानी बहुत सारे तारों का जो समूह है, उनमें से स्ट्रीम यानी एक पट्टी है, तो उस पट्टी में शिव और शक्ति नामक जो स्टार्स हैं, उनके जो ग्रुप हैं, उनकी खोज किसके द्वारा की गई है। जैसे कि कल डायग्राम मैंने आपको समझाया था, यानी इस तरीके से गोले आकार में काफी सारे एकदम झुंड बना हुआ है यहाँ पर ब्लू कलर के तारों का, और इस तरीके से, और ऊपर की साइड है वो आपका येलो कलर के तारे हैं। इनमें से एक का नाम शिव है और एक का नाम शक्ति है, ठीक है। इस तरीके से आपको वो डायग्राम दिखाई देंगे, ठीक है। तो इसको शिव और शक्ति का नाम दिया गया है, शिव ये अंदर वाला, शक्ति बाहर वाला है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, ESA के द्वारा इसकी खोज की गई है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि डिजिटल न्यूज पब्लिश एसोसिएशन का जो नया अध्यक्ष है वो किसे चुना गया है। तो नया अध्यक्ष इनमें से मरियम मेमन मैथ्यू को चुना गया है, और इससे पहले ये न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष थी, ठीक है, उपाध्यक्ष के पद पे थी। कौन, मरियन मेपन मैथ्यू, और अभी किस पद पे है, अभी अध्यक्ष के पद पे इनको चुना गया है, मरियन मेमन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपका मनाया जाता है 23 मार्च को। मौसम विभाग है
ठीक है, ऑप्शन ये है आपका जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके साथ ही आपको बता दीजिए जो मौसम अपने जीवन में कितना ज्यादा महत्व रखता है, इसके बिना ऐसा है कि अपन अपना जो जीवन है वो कठिन हो जाएगा। सरल करने के लिए मौसम विभाग है, मौसम विभाग अपन को बता देता है कि आज बारिश आने वाली है, तूफान आने वाला है या भूकंप, जिस जो भी आपकी चीज आने वाली होती है उससे पहले अलर्ट कर दिया जाता है कि इस तरीके का तूफान होगा तो आप अपने घरों में सुरक्षित रहिए, या फिर इस तरीके से जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन होती है मौसम विभाग से को मिलती है। ठीक है, और जो किसान लोग होते हैं वो भी अपनी फसलें हैं वो मौसम विभाग के अनुसार, उनकी जो आकाशवाणी होती है, उनकी जो भविष्यवाणी होती है, उनके हिसाब से लेके उस चीज को कार्य करते हैं। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना, मौसम विभाग आपसे ये पूछा जा सकता है मौसम दिवस को कब मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब आज के करंट की तरफ चलते हैं, सभी लोग फटाफट से क्लास को ज्वाइन कर लो। और आज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, साइमन हैरिस हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो देखिए इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, नीदरलैंड, थाईलैंड। अभी यहाँ के जो लीड पता लीड वार्डर कर जो प्रधानमंत्री थे कहाँ के थे, आयरलैंड के, इन्होंने इस्तीफा दिया था और इनकी जगह अभी नियुक्ति हुई है नए प्रधानमंत्री साइमन हैरिस की। ठीक है, उसके लिए मैंने बताया था क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और अभी इस जगह पर आपके नए नियुक्ति कर दी गई नए प्रधानमंत्री की, ये भी ध्यान रखना। तो देखिए भारतीय मूल के लियो वराडकर कि इस्तीफा के बाद साइमन हैरिस आयरलैंड के अब तक के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आयरलैंड में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन है, तो साइमन हैरिस है। साइमन हैरिस आयरलैंड के न्याय मंत्री, उच्च शिक्षा अनुसंधान नवाचार और विज्ञान मंत्री भी रह चुके हैं। अब देखो अपन आयरलैंड के बारे में देख लेते हैं, आयरलैंड महाद्वीप कौन सा, यूरोप महाद्वीप में स्थित है और राजधानी इसकी डबलिन है। नेक्स्ट अपन देखते हैं मुद्रा, मुद्रा इसकी यूरो है और यह अटलांटिक महासागर में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, भारत ने किस देश के लिए सहायता राशि बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए करने का ऐलान किया है? भारत ने कौन से देश के लिए सहायता राशि है जो बढ़ाकर कितनी 10,000 करोड़ रुपए करने का ऐलान किया है, किसके लिए किया गया है? बांग्लादेश, भूटान, जापान, इंडोनेशिया, इनमें से सबसे गरीब देश कौन सा है उसके लिए किया गया है? तो इनमें से भूटान है, गरीब देश है, तो भूटान के लिए किया गया है, ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सबसे गरीब देश है अपना भूटान, इधर ये नेपाल, ठीक है, ये 2-3 देश है ना। तो देखो भारत ने अगले 5 वर्षों में भूटान की जो सहायता राशि है उसको दोगुना करने का फैसला किया है और 2019 और से 2024 में भूटान के लिए सहायता राशि वो 5,000 करोड़ रुपए थी, यानी 2019 से 2024 तक किसकी राशि कितनी थी, 5,000 करोड़ रुपए थी और अभी बढ़ाकर दोगुना यानी 10,000 करोड़ रुपए कर दी गई है और 2029 तक के लिए सहायता राशि इसकी 10,000 करोड़ रुपए की गई, 2029 तक, ठीक है, 4 वर्ष के लिए। और इस राशि का प्रयोग भूटान की 5 वर्षीय योजनाओं के लिए किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात इसके बारे में भी देख लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा, ऑर्डर ऑफ द डुक ग्वाल लपो से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और इसके साथ ही भूटान के बारे में देख लेते हैं, भूटान की जो राजधानी है वो कौन सी, थिम्पू है, और राजा भूटान में राज मतलब राज प्रशासन है, लोकतांत्रिक नहीं है तो यहाँ पर राजा वगैरह है, तो राजा कौन है वहाँ के, जिसमें खेसर नागल्यान वोगचुंग, और पीएम कौन है वहाँ के, सेरिंग टोबेक को है, और मुद्रा है नगुल्टन तथा भारतीय रुपया। ठीक है, अपने भारतीय रुपये भी वहाँ पर अलाउड है। नेक्स्ट है 148वें संसदीय सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, अमेरिका में, जापान में, जर्मनी में, स्विट्जरलैंड में, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चलो फटाफट से सभी लोग कमेंट करके बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर 148वां जो संसदीय सम्मेलन है इसका आयोजन स्विट्जरलैंड में किया गया है, ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं, जो 148वां संसदीय सम्मेलन है इसका आयोजन जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया है और भारत का जो प्रतिनिधित्व राज्यसभा के उपसभापति कौन है, हरिवंश नारायण। ठीक है, और यह सम्मेलन अंतर संसदीय संघ IPU के द्वारा आयोजित किया जाता है, और मतलब आयोजन के लिए पूछा जाए ये जो सम्मेलन है आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, तो ये अंतर संसदीय संघ, ठीक है, अंतर संसदीय संघ के द्वारा किया जाता है आयोजित, और IPU की जो सदस्यता है वो कितनी है, 180 देशों में इसकी सदस्यता
है और इसके साथ ही इस संगठन की जो स्थापना है 1889 ईस्वी में की गई थी और संस्थापक कौन है, फ्रांस के राजनेता है फ्रेडरिक पासी और यूके के विलियम रेंडल क्रेमर द्वारा, ठीक है, ये है संस्थापक विलियम रेंडल क्रेमर और साथ में राजनेता है फ्रेडरिक फ्रांसी, ठीक है, ये ध्यान रखना। और इसका जो कार्य है वो कार्य क्या है, राजनीतिक बहुपक्षीय वार्ता के लिए एक मंच प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब देखो स्विट्जरलैंड का नाम है, स्विट्जरलैंड के बारे में पढ़ते हैं, ये कौन से महाद्वीप में स्थित है, ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है, राजधानी इसकी बर्न है और राष्ट्रपति कौन है, वियोला एम हर्ड और मुद्रा है स्विस फ्रैंक, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपराध से निपटने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो ने किसके साथ कार्य व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए हैं, तो इनमें से किसके साथ किए हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूरोपोल या यूनिसेफ, करेक्ट आंसर क्या होगा, तो देखिए केंद्रीय जो जांच ब्यूरो ने है इन्होंने यूरोपोल के साथ व्यवस्था के लिए हस्ताक्षर किए हैं। चलो तो यूरोपोल के बारे में पढ़ लेते हैं, जो सीबीआई और यूरोपोल इस सहयोग के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय अपराध नेटवर्क द्वारा उत्पन्न आधुनिक चुनौतियों से निपटने का प्रयास करेगा, ये इसका उद्देश्य है। और इसके बारे में नेक्स्ट सीबीआई के बारे में देख लेते हैं, फुल फॉर्म पता ही, केंद्रीय जांच ब्यूरो और इसकी स्थापना 1963 में की गई और यह भारत सरकार की एक प्रमुख जांच एजेंसी है, खुफिया एजेंसी बोलते हैं जिसे, जांच एजेंसी है और डायरेक्टर कौन है इसके, प्रवीण सूद है और यह कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अधीन कार्य करती है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, साथ साथ में कमेंट करते रहिए और इसके बारे में नेक्स्ट पढ़ लेते हैं अपन, साथ साथ में कमेंट करते रहना है आपको। और यह आपराधिक एवं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए भिन्न भिन्न प्रकार के मामलों की जांच करने के लिए लगाई जाती है, ठीक है, जो आपराधिक मामले होते हैं उनकी जांच के लिए ये कार्य करती है। इसके साथ ही यूरोपोल है वो यूरोपीय संघ की कानून प्रवर्तन एजेंसी है, यूरोपोल के बारे में पढ़ते हैं, ये यूरोपीय संघ की कानून प्रवर्तन एजेंसी है और इसका मुख्यालय कहाँ है, द हेंग, कहाँ पर, नीदरलैंड में, और कार्यकारी निदेशक है कैथरीन डी बोले, ये इसके कार्यकारी निदेशक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हाल ही में त्रिशूल ड्रोन को किस कंपनी ने लॉन्च किया है, बताइए कमेंट करके करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। मैं ऑप्शंस के बारे में बताती हूँ, डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज, जैन टेक्नोलॉजीज, रतन इंडिया इंटरप्राइजेस या गरुड़ एरोस्पेस, करेक्ट आंसर क्या होगा, तो देखिए जो त्रिशूल ड्रोन है ये गरुड़ एरोस्पेस के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलो तो इसके बारे में देखते हैं, ये इसके मालिक है, ड्रोन निर्माता कंपनी गरुड़ एरोस्पेस ने सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन त्रिशूल को लॉन्च किया गया है। पूछा जा सकता है सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन का क्या नाम है, तो ऑप्शन दे देंगे तो त्रिशूल है इसका आंसर होगा। तो सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन त्रिशूल का उपयोग लोगों की आवाजाही, प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी और यातायात का आकलन करने के लिए किया जा सकता है, ठीक है। और इसके साथ ही गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई स्थित एक ड्रोन स्टार्टअप कंपनी है, ठीक है, ये कंपनी के बारे में बताया गया है, ये जो गरुड़ एरोस्पेस है वो स्टार्टअप प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई में स्थित एक स्टार्टअप ड्रोन स्टार्टअप कंपनी है और इसकी स्थापना की गई थी 2015 में। संस्थापक कौन है, अग्निश्वर जयप्रकाश और रितिका मोहन और भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी इसके ब्रांड एम्बेसडर व शेयर धारक हैं, ठीक है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, हाल ही में भारत ने MTBV-ACT टीके का जो क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया है वो किस रोग से संबंधित है, तो आपका ऑप्शन ए है तपेदिक, COVID-19, हेपेटाइटिस बी या मलेरिया, तो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए COVID-19 के लिए भी आपकी दवाई खोज ली गई है, हेपेटाइटिस बी के लिए भी खोज ली गई है और मलेरिया के लिए भी खोज ली गई है, तो करेक्ट आंसर आपका तपेदिक, तपेदिक का मतलब टीबी, ये टीबी है, ठीक है, तो टीबी ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो पढ़ लेते हैं इसके बारे में, ये इसकी वैक्सीन है टीबी की और अपना जो 2025 तक भारत का क्या लक्ष्य रखा गया है कि टीबी को खत्म करना, और अगर विश्व के लक्ष्य की बात की जाए, भारत का लक्ष्य है 2025 तक टीबी को
खत्म करना। और अगर अपन बात करें विश्व की, तो विश्व का क्या लक्ष्य रखा गया है? विश्व का लक्ष्य है 2030 तक टीबी को खत्म करना। ठीक है, तो अभी देखो इसके लिए दवाई बनाई गई है। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने टीबी के टीके का वैश्विकों पर चिकित्सीय परीक्षण करना शुरू कर दिया है। ठीक है, और भारत बायोटेक के अनुसार टीबी का यह है पहला टीका है, ठीक है, जो अभी बनाया गया है। और स्पेन की दवा निर्माता कंपनी कौन है? बायोफ्रेवी, इन्होंने मानव स्रोत से ये तैयार किया है। और देखिए 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस भी मनाया जाता है, टीबी दिवस वाला भी ध्यान रखना। और भारत का कौन सा पड़ोसी देश 26 मार्च को अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है? अब आपका अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पड़ोसी देश है भारत के पास जो अपना कौन सा कितनी तारीख को 26 मार्च को अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है? तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन ए है पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश। करेक्ट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? तो देखिए जो अपने 26 मार्च को जो अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है वो बांग्लादेश है। ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बांग्लादेश का जो स्वतंत्रता दिवस है वो 26 मार्च को मनाया जाता है। और इसके साथ ही 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश की पाकिस्तान से आजादी की घोषणा हुई थी, इसलिए मनाया जाता है। ठीक है, पाकिस्तान से। और बांग्लादेश की जो स्वतंत्रता की जो घोषणा है इसके साथ पाकिस्तानी सेना के खिलाफ एक गृह युद्ध शुरू हो गया था। और बांग्लादेश की जो मुक्ति वाहिनी को भारत ने सैनिक सहयोग दिया था। ठीक है, और पाकिस्तानी सेना ने 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, और इसलिए इस दिन बांग्लादेश विजय दिवस के रूप में मनाता है। ठीक है, ध्यान में आ गया आपको। और बांग्लादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। देखो पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था बांग्लादेश को। आपसे पूछा जा सकता है कि पहला पूर्वी पाकिस्तान कौन सा है? पूर्वी पाकिस्तान आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, बांग्लादेश, पाकिस्तान, तो इस तरीके से। तो बांग्लादेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पूर्वी बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान है वो आपका बांग्लादेश है। और बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? बंगबंधु शेख मुजीब उर रहमान। ठीक है, अब देखिए बांग्लादेश का नाम आया तो बांग्लादेश के बारे में देख लेते हैं। राजधानी ढाका है और मुद्रा इसकी टका है। और राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद शहाबुद्दीन चिप्पू। और प्रधानमंत्री है शेख हसीना, जो अभी बनी थी बांग्लादेश की। कौन सी? पांचवी प्रधानमंत्री है, पांचवी प्रधान, 5 बार प्रधानमंत्री बन चुकी है, छठी बार आई। ठीक है, शेख हसीना। और बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद भी कहा जाता है। ठीक है, संसद को क्या कहा जाता है? सॉरी, संसद को क्या कहा जाता है? जातीय संसद पूछा जा सकता है, किसको कहा जाता है? तो बांग्लादेश की जो संसद है उसको जातीय संसद कहा जाता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में अमूल ने किस देश में अपना अंतरराष्ट्रीय कारोबार शुरू किया है? अमूल के बारे में कौन नहीं जानता, सब लोग जानते हैं। जैसे एड आता है अमूल दूध पीता है इंडिया, तो उसी तरीके से जो अमूल है ना, अमूल की आइसक्रीम भी आती है। तो अमूल ने अभी अपना कारोबार, जो कारोबार है सॉरी, वो दूसरे देश में शुरू किया है। कौन से देश में शुरू किया है? तो ऑप्शन ए है आपका जापान, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका। करेक्ट आंसर है वो आपका क्या होगा? तो देखिए जो अमूल कंपनी ने है वो अपना कारोबार शुरू किया है अमेरिका में। ठीक है, ऑप्शन डी है आपका करेक्ट होगा, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, देखिए तो भारतीय डेयरी ब्रांड अमूल अमेरिका ने अपने उत्पादन का जो निर्माण करके अपना पहला अंतरराष्ट्रीय कारोबार शुरू किया। पूछा जा सकता है पहला अंतरराष्ट्रीय कारोबार कहाँ शुरू किया गया है? तो ये अमेरिका में किया गया है। और आपसे एक चीज और क्वेश्चन आया था कि मवेशी का जो दुग्ध उत्पादन है इसमें सबसे फर्स्ट स्थान पर कौन सा है? तो अपना इंडिया है दूध उत्पादन में। पहला स्थान रखता है इंडिया। ठीक है, तो ये जो कंपनी है अमूल, ये अपने भारत की कंपनी है और इन्होंने अभी बाहर है अपना कारोबार शुरू किया है। और देखिए अमूल का फुल फॉर्म क्या है? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड।
और स्थापना कब की गई इसकी, 1946 में। और भारत में श्वेत क्रांति, अब देखो दूध किससे संबंधित है, दूध सफेद होता है, दुग्ध सफेद होता है तो सफेद क्रांति, तो इसके जनक माने जाते हैं वर्गीस कुरियन। ठीक है, ध्यान रखना ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आपके क्रांति वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश भी भारत है, ये मैंने आपको बता दिया। और खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार 2021-22 में विश्व दूध उत्पादन में भारत का जो योगदान है वो कितना है, अभी इसके बारे में बताएं, इसका योगदान 24% है पूरे विश्व में। ठीक है, और सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन राज्य की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा दूध उत्तर प्रदेश में उत्पादित होता है, कितना, 15.22%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि सूरत डायमंड बोर्ड्स के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ऑप्शन ए आपका अश्विनी कुमार, नवीन जिंदल, गोविंद ढोलकिया या मुस्तफा सुलेमान। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, किसके, सूरत डायमंड बोर्ड्स के, तो इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं गोविंद ढोलकिया, ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो गोविंद ढोलकिया जी के बारे में देख लेते हैं, ये इस कंपनी के मालिक है, अध्यक्ष बने हैं, तो इस कंपनी का उद्घाटन अभी किया गया था, आपको बताया था नरेंद्र मोदी जी ने किया था, इस कंपनी को जानते हो आप, सबसे बड़ी कंपनी है ये। और सूरत डायमंड बोर्ड ने गुजरात से राज्यसभा सांसद गोविंद ढोलकिया को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है, और इन्होंने वल्लभ भाई पटेल का स्थान ग्रहण किया, इससे पहले कौन था इस स्थान पे, वल्लभ भाई पटेल था, जिनका स्थान अभी इन्होंने ग्रहण कर लिया है। सूरत डायमंड बोर्ड्स एक गैर लाभकारी संगठन है और यह एक हीरा व्यापार केंद्र है, हीरे की सबसे बड़ी कंपनी है यहाँ पर, यह हीरा व्यापार केंद्र है जिसका हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया था। ठीक है, और यह दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन है, ये मैंने आपको बताया अभी, और इसका उद्घाटन कब किया गया, 17 दिसंबर 2023 में, भी दिसंबर के लास्ट में किया गया था, 17 दिसंबर को। ठीक है, अब देखिए आपको स्पेशल ऑफर्स के बारे में बता दिया जाए कि जो अपने ऊपर अभी जो 90% डिस्काउंट चल रहा है ऑल कोर्सेज पे, ठीक है, 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा आपको, यूज माय कोड निशा10, इसको यूज करोगे तो आपको 10% डिस्काउंट और भी मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि इसकी पीडीएफ फाइल आपको मिले तो अपना टेलीग्राम चैनल है, जैसा कि मैं आपको डेली बताती हूँ, जीडी कैंपस, ठीक है, जीडी कैंपस, इसको सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ पर आपको डेली की पीडीएफ फाइल है वो मिल जाएगी। और अपना ऐप के बारे में और बता दूं, अपना ऐप है गुरुकुल धाम ऐप, ठीक है, इसको इंस्टॉल कर लेना, और यहां जाकर आप जो अपने ट्रायल क्लासेस है, मैथमेटिक्स की क्लासेस भी लगते हैं, मैथमेटिक्स का पूरा कोर्स पढ़ा है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो, काफ़ी अच्छे, मतलब आपके हेल्पफुल रहेगा, जिसको मैथ्स नहीं आती, एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट है, एकदम बेसिक से बेसिक, जीरो से जीरो स्टार्ट किया गया है, और एकदम एकदम आराम से पढ़ाया गया है, आपको अच्छे से समझ में आ सकता है। ठीक है, तो आप एक बार जाके ट्रायल क्लासेस जरूर चेक करना और वहां जाकर कोर्स अभी परचेज कर सकते हो, 90% सबसे बड़ा डिस्काउंट है, ये होली पे ऑफर चलाया गया है, ये अभी एक दो दिनों में, बस एक दो दिनों के लिए ये ऑफर खत्म हो जाएगा, तो आप जल्दी से जल्दी जाके इस ऑफर का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो सभी को धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।